गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे पेपर C9, जो कि आपका पेपर का नाम हो जाता है अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत हम लोग आज यूनिट 5 को देख रहे हैं। यूनिट 5 आपका हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन तथा निर्वाचन सूचना, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है भारित समानांतर माध्य, जो कि बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और हमारा जो लेक्चर संख्या आज का होगा वह होगा 19। माय डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने इसके पिछले वाले कक्षा में आपको खंडित श्रेणी के अंतर्गत मैंने लघु श्रेणी विधि बताया, दीर्घ बताया, पद विचलन विधि को बताया। आज हम लोग देखेंगे भारित समानांतर माध्य, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारित समानांतर माध्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना के लिए कौन से सूत्र होते हैं यानी मेथड, और कैसे की जाती है। तो चलिए हम चालू करते हैं भारित समानांतर माध्य के बारे में। कहता है कि भारित समानांतर माध्य क्या है, कहता है सरल समानांतर माध्य का एक प्रमुख दोष है। सरल समानांतर माध्य का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें श्रेणी के प्रत्येक पद को समान महत्व दिया जाता है। यानी कि सरल समानांतर माध्य का एक बहुत बड़ा दोष है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी श्रेणी आते हैं उस सारे श्रेणी को क्या किया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। परंतु व्यवहार में एक श्रेणी के विभिन्न पदों का अलग अलग सापेक्षिक महत्व होता है। अब व्यवहार की अगर दृष्टि से देखते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों का महत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। जिसकी पद का अधिक महत्व होता है किसी का कम, जिसके अंतर्गत यानी कि व्यवहार का जो सापेक्ष, देखिए यहाँ पर कहता है कि इसके अंतर्गत जो भी पद होते हैं उसको समान महत्व दिया जाता है, लेकिन व्यवहार में इसका क्या हो जाता है, जो पद की जो श्रेणी होती है अलग अलग होती है, जिस कारण से क्या हो जाता है, किसी पद का महत्व अधिक हो जाता है और किसी पद का महत्व कम हो जाता है। अतः भारित समानांतर माध्य में प्रत्येक भारित समानांतर माध्य में पदों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार देकर, भार मतलब वेट, भार देकर औसत की गणना की जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जितने भी पद होते हैं उसको एक महत्व, सापेक्षिक महत्व देकर, भार सापेक्षिक महत्व के साथ साथ भार देकर उसकी औसत की गणना की जाती है। अतः भारों के आधार पर निर्धारित किया गया समानांतर माध्य भारित माध्य कहलाता है। यानी कि भारित माध्य क्या कहलाता है, यानी कि भार के अकॉर्डिंग, यानी कि वेट के अकॉर्डिंग जो लोग निर्धारित किया जाता है क्या, समानांतर माध्य, वो क्या कहलाता है, भारित माध्य कहलाता है। भारित माध्य की गणना करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब समूह के पद एक, कहता है जब समूह के पद एक दूसरे के समान होते हैं। तो अब तक हमने आपको बताया भारित माध्य, भारित माध्य क्या होता है, तो भारित माध्य होता है यानी कि जिसका जो भार होता है, जो भार जो होता है समांतर, समांतर होता है, समांतर भार ही क्या कहलाता है, भारित माध्य कहलाता है। अब इसकी अगर गणना की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बताया कि इसकी गणना कैसे की जाती है, तो कहता है कि अगर इसकी गणना की बात करते हैं तो इसकी गणना करता है कि किसकी, भारित माध्य की गणना करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब समूह के पद एक दूसरे के समान होते हुए भी, यानी कि समूह के जो दोनों पद एक दूसरे के समान होते हुए भी महत्व की दृष्टि से सजातीय नहीं होते हैं, तब क्या पड़ती है, भारित समानांतर माध्य की गणना की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर कहता है, अब हम लोग आपको, मैं आपको बताऊंगा कि भारित माध्य की गणना, भारित माध्य की गणना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कहता है कि भारित माध्य की गणना में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं, यानी कि इसकी गणना किसकी, भारित माध्य की गणना करने के लिए उसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। तो चलिए मैं उस चरण के बारे में आपको बता रहा हूं। नंबर वन कहता है प्रत्येक, नंबर वन कहता है श्रेणी के प्रत्येक पद को उनके महत्व के अनुसार भार यानी वेट प्रदान किए जाते हैं। तो
पहला आदमी जैसे मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, कहता है कि श्रेणी के प्रत्येक पद को उनके महत्व के अनुसार यानी भार प्रदान किए जाते हैं। पहली गणना हो गया। दूसरी फिर क्या कहता है, फिर पदों के मूल्य यानी पदों का मूल्य जो हो गया एक्स को उनके भार यानी एक्स को उनके भार यानी कि से डब्ल्यू से गुना कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी गणना हो गई भारित की। तीसरा क्या कहता है, अंत में गुणनफल का योग सिग्मा सिग्मा डब्ल्यू एक्स को पदों के भार के योग सिग्मा से भाग दिया सिग्मा डब्ल्यू से भाग दिया जाता है। भागफल ही क्या होता है, जब भाग देने के बाद जो भागफल की प्राप्ति होती है वो भागफल क्या कहलाता है, भारित माध्य, यानी कि वो भागफल जो होता है वो भारित माध्य मीन डब्ल्यू होता है। ये हो जाता है भारित माध्य की गणना के बारे में। तो मैं आपको फिर से एक बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग मैं आपको मैथ भी बताऊंगा। अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कहता है भारी समानांतर माध्य क्या हो गया था, यानी कि जिसके भारी समानांतर माध्य के अंतर्गत क्या कहता है, इसके अंतर्गत जो भी जिसके अंतर्गत जो भी माध्य जो भी माध्य होते हैं वो क्या होता है, उनको समान भार देकर औसत क्या किया जाता है, औसत की गणना की जाती है। और इसकी अगर क्या कह देता है, अगर इसकी गणना की बात करते हैं तो इसकी गणना तब की जाती है, इसकी गणना तब आवश्यकता पड़ती है जब समूह के पद एक दूसरे के समान होते हुए भी क्या कहता है, महत्व की दृष्टि से सजातीय नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं भारित माध्य की गणना के अंतर्गत, अब हम लोग चलते हैं इसके सूत्र के बारे में। तो सूत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्र जो होता है, इसका जो सूत्र हो जाता है, यहाँ कहता है मीन डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाई सिग्मा डब्ल्यू, ये उसका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम आपको एक मैच बनाकर दिखा रहे हैं। तो कैसे हम लोग करते हैं, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक कॉलम बनाया जिसमें एक कॉलम में किया कर्मचारी, दूसरा किया मजदूर, मजदूर के अंतर्गत क्या हो जाता है, मजदूरी, यहाँ पर हम लोग दर जोड़ देते हैं, ठीक है, मजदूरी हम लोग कर देते हैं। उसके बाद से कर्मचारी की संख्या, फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुणनफल। तो यानी कि कर्मचारी के अंतर्गत हमने लिया मैनेजर, लिया लिपिक, लिया मशीन मैन, आपका क्या श्रमिक सहायक, यानी कि इस टाइप का मैंने कुछ लोगों का नाम अंकित किया, यानी कि एक फैक्ट्री में कुछ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उस फैक्ट्री के अकॉर्डिंग व्यक्ति को क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग सजा दिया पद बाई पद अनुसार। अब यहाँ पर कहता है कि कर्मचारी की संख्या में अगर आते हैं, कर्मचारी में देखते हैं तो पहला मैंने देता हूँ मैनेजर, उसके बाद देते हैं लिपिक, उसके बाद देखते हैं मशीन मैन, उसके बाद देते हैं श्रमिक, और लास्ट में आपका होता है सहायक। अब यहाँ पर मजदूरी देख कहता है मजदूरी हमारा क्या हो जाता है, एक्स हो जा रहा है, मजदूरी आपका हो जाता है एक्स, यानी कि आर रुपीज आपका कितना हो जाता है, जैसे मैनेजर का सैलरी हो जाता है 400 रुपया, लिपिक का मान लेते 300 है, मशीन मैन का आपका 250 रुपया, श्रमिक का 200 रुपया, सहायक का 150 रुपया। हमने क्या किया, पहले हमने क्या बताया श्रेणी के प्रत्येक पद को उनके महत्व के अनुसार भार देकर प्रदान की जाती है, यानी कि जो जिसके अकॉर्डिंग तो मैंने किया। अब क्या करता है, फिर पदों के मूल्य x को उनके भार w से गुना कर दिया जाता है, यानी कि देखिए x को अब w से हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर मजदूरी दर क्या हो गया, यहाँ पर x हो गया, और ये w क्या हो गया, अब w से हम गुना करेंगे, तो ये हमने सजा दिया। अब हम क्या करते हैं, x को w से अब हम गुना करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैनेजर हो गया, तो मैनेजर की सैलरी अगर हो जाती है 400 रुपये, तो उसकी संख्या है दो संख्या हो जाती है, यानी कि दो व्यक्ति हो जाते हैं एक फैक्ट्री में मैनेजर, मैंने आपको एक बनाया। उसके बाद कहता है लिपिक, लिपिक में अगर देखते हैं तो उसकी सैलरी कितनी है लिपिक की, 300 रुपया, इसमें संख्या हो जाती है दो। मशीन मैन 250 रुपया है, इसकी संख्या हो जाती है चार। श्रमिक क्या हो गए, 200 सैलरी हो जाती है और इसकी संख्या हो जाती है आठ। सहायक हो गए 150 और इसकी संख्या हो गई चार। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डब्ल्यू को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, अब देखिए जोड़ के चलते हैं, तो 2 2 4 4 और 4 8,
8 और 4 16, 16 और 4 14 कितना हो गया आपका 30 आपका आ जाता है। तो यानी कि सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा 30 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग कहता है कि फिर पौधों के एक्स को उनके भार डब्ल्यू से गुना कर दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये एक्स हो गया क्या मजदूरी हो गई, डब्ल्यू यहाँ पर क्या हम दे दिए कर्मचारियों की संख्या हो गई। तो अब एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, अब फोर को टू से करते हैं तो यहाँ पर एट हो जाता है। यानी कि जब हम लोग डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर उसके बाद से क्या हो जाता है, जो आपका क्या रहता है अंत में गुणनफल का योग, यानी कि जो गुणनफल का योग क्या हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स को पौधों के भार के योग से भाग दे दिया जाता है। तो अब हम लोग देखिए अब क्या करते हैं, गुणनफल हमारा हो जाता है डब्ल्यू एक्स, तो फोर को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एट होता है, थ्री को टू से करते हैं तो सिक्स होता है, 250 को फोर से करते हैं तो 1000 होती है, 200 को एट से करते हैं तो 16 हो जाती है, और लास्ट में आपको 150 को 14 से करते हैं तो 2100 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम इस सारे को जिस प्रकार हमने W को जोड़ा उसी प्रकार W के योग को पूरा जोड़ा उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे W X को अब जोड़ लेंगे। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हमारी हो जाती है, हमारी कुल योग कितना हो जाती है। तो कुल योग को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 6100, यानी कि जब हम ये पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 6100। यहां तक आप लोगों का क्लियर है। अब क्या कहता है, अब यहां पर कहता है कि सिग्मा डब्ल्यू से भाग दे दिया जाता है। यहां पर कहता है कि सिग्मा डब्ल्यू एक्स के पौधों के भार के योग सिग्मा डब्ल्यू से भाग दे दिया जाता है, और भाग फल क्या करता है भारित माध्य मीन डब्ल्यू एक्स होता है। अब हम लोग को जो ये आया है, क्या आया है डब्ल्यू एक्स जो आया है, अब हम लोग इसको भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए क्या करना होगा, अब हम लिखेंगे मीन डब्ल्यू यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाई सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि अब इसको हम सूत्र पर बैठा दें। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपका डब्ल्यू एक्स कितना हो जाता है, डब्ल्यू एक्स यानी क्या हो गया गुणनफल आपका कितना हो जाता है 6100। ओके, अब यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या यानी डब्ल्यू कितनी हो जाती है, कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाती है 30। तो 61 को 30 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है 20.33, ये हमारा क्या हो जाता है कुल योग आता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं भारित माध्य की गणना को करते हैं। सो माई डियर स्टूडेंट, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कहता है कि जो भी आपको यानी कि इसको गणना करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाइए, कॉलम के अकॉर्डिंग भार के अकॉर्डिंग सारे व्यक्ति को रखिए, उसके बाद से मजदूरी दर रखिए, मजदूरी दर आपका जो हो जाता है आर, अब मजदूरी दर को कर्मचारियों की संख्या रखिए, अब मजदूरी दर को कर्मचारियों की संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद से जो आपका आंसर आता है उसको क्या कर दीजिए, उसको अब क्या करना है भाग कर दीजिए। भाग किसे कीजिएगा, तो भाग करने के लिए आपको क्या होगा, यानी कि जो आपका गुणनफल आ रहा है उसको और जो संख्या आ रही है उसको जब आप भाग करोगे तो आपका अपने से आंसर आपका निकल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा भारित समानांतर माध्य, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा भारित समानांतर माध्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना करने में क्या क्या जरूरत होती है, और गणना करने के दरमियान इसके कितने चरण सम्मिलित होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें क्या देखा, एक भारी समानांतर माध्य की गणना के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा, एक मैथ्स को भी देखा कि कैसे आप इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।